दोस्तों, जब बात आती है खरीदारी की, हमारी नजर सबसे पहले बड़े ब्रांड्स पर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त है ठहरने का, क्योंकि माना कि फॉरेन ब्रांड सालों से अपना राज कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत के ब्रांड्स में दम नहीं। बल्कि हम तो ये कहेंगे, आज के टाइम में भी भारत में कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि दुनिया भर में अपना नाम बनाया हुआ है। और आज की इस वीडियो में भी हम भारत के टॉप 5 ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे जो कि दुनिया में राज कर रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पे रॉयल इनफील्ड। दरअसल बुलेट को पसंद करने वाले लोग कहते हैं कि बाइक हो तो बुलेट जैसी, और यही वजह है बाइक रोड से ज़्यादा लोगों के दिल पे राज करता है। और दोस्तों, बात की जाए बाइकों की तो लोगों की पहली चॉइस बुलेट ही होती है। दोस्तों, लिस्ट में नंबर 4 पे जो ब्रांड्स आता है उसका नाम है जैगुआर। दरअसल जब भी भारत के लोग इस कार ब्रांड्स का नाम अपने कानों से सुनते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि ये कोई विदेशी ब्रांड होगा। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, ये ब्रांड्स टाटा मोटर्स के अंतर्गत आता है, जैसे कि कई साल पहले टाटा ग्रुप्स ने फोर्ड कंपनी से खरीद लिया था। और तब से लेकर अब तक ये कार ब्रांड्स दुनिया भर के कार लवर्स के बीच अपनी एक खास जगह बनाया हुआ है। दोस्तों, इसी तरह की लिस्ट में नंबर 3 पर अपनी जगह बनाई है ओल्ड मंक ने। दरअसल जब बात आती है रम की तो जुबान पर सबसे पहले ओल्ड मंक का नाम आ ही जाता है। 60 साल पुराने इस रम के ब्रांड ने दुनिया भर के मार्केट में अपना कब्जा बना रखा है। और दोस्तों, केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रम के मामले में सबसे ज़्यादा लोगों की पसंद ओल्ड मंक की होती है। और दोस्तों, भारत में बनने वाली इस शराब की सबसे खास बात ये है कि इस शराब की कभी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसे पीने वाले लोग खुद ही इसे एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं और इसी वजह से लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। तो दोस्तों, इसी तरह आज के हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है टाटा ग्रुप्स। दरअसल भारत में रहते हुए टाटा ग्रुप्स इंडस्ट्री को भला कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि ये एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने हर एक फील्ड में अपना हाथ आजमाया है। फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, स्टील हो, या रियल इस्टेट, या फिर केमिकल्स। और दोस्तों, इस कंपनी ने इंडियन कंज्यूमर को समझा है, बल्कि ग्लोबलिटी भी अपने काम को पूरी तरह एक्सपेंड कर दिया है। इसी वजह से आज टाटा ग्रुप्स पूरी दुनिया में मशहूर है। और दोस्तों, टाइटन घड़ी का नाम तो आपने सुना ही होगा, पर आपको बता दें वो टाटा ग्रुप्स का एक हिस्सा है, जिसे दुनिया भर में शानदार घड़ियों के ब्रांड्स में शामिल किया जाता है। और दोस्तों, इसी तरह हमारी लिस्ट में अगला नाम है कैफे कॉफी डे का। दरअसल जब तक कैफे कॉफी डे को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करते, तब तक हमारी लिस्ट पूरी कैसे हो सकती है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉफी चेन में से एक है, जिसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में स्थित है। और दोस्तों, बात की जाए कैफे कॉफी डे के आउटलेट्स की तो पूरी दुनिया में इसके करीब 1600 से ज़्यादा आउटलेट्स मौजूद है। और दोस्तों, कैफे कॉफी डे ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इजिप्ट, नेपाल और भी देशों में अपनी शानदार कॉफ़ी का स्वाद लोगों को चखा चुका है। दोस्तों, आज टॉप 5 की लिस्ट यहीं पर ख़त्म होती है। लेकिन आपके दिमाग में अगर कोई भारतीय ब्रांड है, विदेश में भी पॉपुलर है, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।